वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। तो यार अब हम आए हुए टोबरमोरी, वन ऑफ द बेस्ट प्लेस टू एंजॉय इफ यू आर लिविंग अराउंड टोरंटो एरिया। टोरंटो से अराउंड 3.5-4 घंटे की ड्राइव है। दिस प्लेस इज रियली गुड। बुकिंग पहले से करनी पड़ती है अगर लॉन्ग वीकेंड है तो हमने पहले से बुकिंग करी थी, लेकिन हमने लाइक बहुत पहले नहीं करी थी, तो हमको ये जगह मिली है। अभी आपको बैक फ्लैश में दिखाता हूँ जगह कैसी है, क्या उसके बारे में सब बताता हूँ। और अब यहाँ से हम लोग रेडी होकर निकल रहे हैं, देखते हैं क्या मिलता है हमको घूमने के लिए। ऑफकोर्स हार्बर साइड तो जाएंगे ही हम लोग, एंड देन विल सी इफ यू कैन गेट द फेरी, बिकॉज फेरी यहाँ की अमेजिंग है, बिकॉज पानी बहुत क्लीन है, तो बहुत कुछ देखने को मिलेगा, बहुत सारी मस्ती होने वाली है। तो इस ब्लॉग को बिना किसी रुकावट के शुरू करते हैं। हाँ जी, तो पहली बात तो इतना मुश्किल है बुकिंग मिलना टोबरमोरी की। सो दैट्स द रूम विच वी हैव गॉट। यहाँ से एंट्री करने के बाद इस रूम में है 2 बेड, और हम लोग को वैसे बुकिंग मिल नहीं रही थी तो हमें एक ही कमरा मिला है। तो मैं, मेरी वाइफ और मेरा बेस्ट फ्रेंड दिवांशु, उसकी वाइफ, हम लोग यहीं पर रुकने वाले हैं क्योंकि एक ही रूम मिला है बड़ी मुश्किल से। भाई लॉन्ग वीकेंड में ना लोग पहले ही बुक कर लेते हैं, तो अगर टोबरमोरी आने का प्लान है लॉन्ग वीकेंड में तो पहले से बुक कर लेना। दिस प्लेस इज रियली गुड, इसके बारे में बहुत सुना है तो मुझे पता है मज़ा बहुत आने वाली है। रूम कोई बहुत ज़्यादा अमेजिंग नहीं है, ठीक है, डिसेंट साइज रूम है, इट लुक्स गुड। और दिस इज द वॉशरूम, ये है आपका स्टैंडिंग शावर, और ऑफकोर्स ये आपका छोटा सा कमोड। बट हमें इससे मतलब नहीं, हमें तो मस्ती करनी है और हम मस्ती करने वाले हैं, बहुत मज़ा आने वाली है यहाँ पर। और हमने क्या करा, हम लोग आ गए थर्सडे की नाइट पे ऑलरेडी, तो फ्राइडे को छुट्टी है, सैटरडे छुट्टी है, संडे छुट्टी है, थर्सडे से ही हमने बुकिंग कर ली थी। मॉर्निंग का बेसिकली चेक इन था, बट हमने लेट चेक इन करा है बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि हम चाहते थे कि हम थर्सडे यहीं पे सो जाएं इंस्टेड ऑफ कमिंग ऑन फ्राइडे, तो आधा दिन बर्बाद हो जाता है ट्रैवल करने में, बिकॉज 3.5-4 घंटे की ड्राइव थी घर से। तो हम ड्राइव करके रात में ही आ गए, यहाँ सोएंगे तो फ्राइडे का फुल डे, सैटरडे का फुल डे एंजॉय करेंगे, और फिर संडे को यहाँ से होगी वापसी। टोबरमोरी इज एन अमेजिंग प्लेस, और आपको बहुत कुछ देखने को मिलने वाला है। बाकी इस जगह को जो हमने बुक करी है इसके बारे में बताता हूँ आपको सुबह उठने के बाद, बिकॉज सुबह आप ज़्यादा तरह से अच्छे से देख सकते हैं यहाँ पर कि क्या क्या है एंड ऑल द फैसिलिटीज विच वी हैव हियर। तो अभी के लिए गुड नाइट है, लेकिन ये वीडियो कंटिन्यू होने वाला है, तो लेट्स स्टार्ट द फन। अनितु गुड मॉर्निंग, हो गई है हमारी सुबह, और हाईवे के बीचों बीच बना है ये कोच हाउस इन नाम का ये छोटा सा कॉटेज है, जहाँ पर ये एकदम ओल्ड स्टाइल के आपको रूम मिलेंगे, और इस जो इनका वो है इंफ्रास्ट्रक्चर कह सकते हैं आप। द गुड पार्ट इज की बहुत सारी सर्विसेज हैं यहाँ पर अच्छी अच्छी। लेट मी शो यू हियर, सो दे हैव बारबेक्यू ऑप्शन एंड लॉट ऑफ अदर स्टाफ। नहीं तो बैक साइड पे ऐसे बैठने के लिए बहुत सारी जगह बनी हुई है, फायर पिट बने हुए हैं काफ़ी सारे, एंड दे हैव अ शेड एज वेल, बारबेक्यू मशीन्स हैं, आप बारबेक्यू ले सकते हैं, प्रोपेन इनसे लेना पड़ता है, वुड्स आर फ्री, और पीछे एक स्विमिंग पूल है। रात में यहाँ पर बारबेक्यू नहीं कर सकते हैं बिकॉज पीछे पूरे जंगल है, वहाँ से भालू आ जाते हैं, लाइक लिटरली उन्होंने बताया है रात में कि रात में बियर आ सकते हैं कभी भी, सो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर सेफ। तो इस रात में हम लोग नहीं बैठे थे यहाँ पर, आज शायद बैठेंगे, बट यू हैव, इफ यू आर सिटिंग हियर यू हैव टू, यू आर नॉट सपोज सिट फॉर लॉन्ग, क्योंकि अगर भालू आया एंड यू गॉट रन। सो जंगल के बीचों बीच बनी है ये जगह, बट द गुड पार्ट की जो इनका बैक साइड का एरिया है वो बहुत ज़्यादा लाइव है, बहुत अच्छा है, एंड ग्रीनरी बहुत ज़्यादा अच्छा है, इट इज़ गोइंग गुड सो फार, जगह अच्छी है। और अब हम लोग बस यहाँ से नहा धो के ब्रेकफास्ट करके देन वी विल हेड टू टोबरमोरी बीच, तो अब वहाँ चलते हैं। तो यार टोबरमोरी में आने से पहले एक गलती मत करना, बुकिंग सारी कर लेना, भले ही वो ग्रोटो हो, ग्रोटो आइलैंड बोलते हैं, ग्रोटो आइलैंड राइट, समथिंग ग्रोटो इज समथिंग विच यू शुड बुक। एंड टोबरमोरी की जो ग्लास बॉटम जो बोट है वो हमें लकली मिल गई कल की,
तो वी आर एनीवेज गोइंग टू डू दैट, बट वो पहले से बुक कर लेनी चाहिए. एंड आके कयाकिंग जरूर करना, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग थिंग यू विल एंजॉय, विच आश्मा इज एंजॉइंग राइट नाउ. आश्मा और मुझे दोनों को पानी थोड़ा डर लगता है, आश्मा को थोड़ा ज्यादा लगता है, बट स्टिल आज शी इज एक्चुअली डूइंग लाइक ग्रेट जॉब. सो बहुत मजा आ रही है हमको, बहुत फन चल रहा है. यू आर गोइंग टू एंजॉय दिस व्लॉग फॉर श्योर, एंड ऐसे ही देखते रहिए. को ये है चीची मॉन फेरी. चीची मॉन इज अ कैनेडियन पैसेंजर एंड व्हीकल फेरी इन ओंटारियो कनाडा, जो कि लोगों को टोबरमुरी से लेकर के मैनिटोन आइलैंड तक लेकर के जाती है, और ये लेक ह्यूरोन के ऊपर चलती है. और ये फेरी सिर्फ ऐसे ही छोटी मोटी फेरी नहीं है, इतनी बड़ी फेरी है कि लोग इसमें नॉर्मली नहीं, लोग अपनी गाड़ियाँ, अपने ट्रक्स, अपनी बाइक लेकर के जाते हैं इसमें. और ये है आपका लिटिल कोव बीच, जिसका पानी बहुत ही ज़्यादा साफ है. यहाँ पर जाने के लिए आपको अपनी पार्किंग जो है ना पहले से बुक करनी पड़ती है. बाहर जो पार्किंग के स्लॉट है वो आपको ऑनलाइन पहले से बुक करने पड़ेंगे, बिकॉज इफ़ यू डोंट हैव अ पार्किंग स्लॉट आप यहाँ पर नहीं जा सकते हो. तो मेक श्योर इसका पार्किंग स्लॉट बुक कर ले. बट दिस इज़ वन ऑफ द वेरी 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 इंटरेस्टिंग बीच, क्योंकि पानी बहुत साफ है और बहुत मज़ा आता है. गाइस, इफ यू आर कमिंग टू मोरी और अगर आपने कोई रिसॉर्ट या होटल या कॉटेज बुक करा है जहाँ पर आपको फायर पिट है, और अगर उनके पास इफ दे डोंट हैव द फायरवुड, मेक श्योर यू ब्रिंग योर ओन फायरवुड, या फिर आप यहाँ से खरीद सकते हैं, आसपास बहुत सारी जगह मिल जाएगा. आई विल शो यू अ गुड थिंग, लुक एट द ट्रस्ट. दे से यू बाय व्हाटएवर यू वांट, डिपॉजिट मनी हियर, देयर इज नोबडी हियर टू टेक द, लाइक यू नो, कोई नहीं है यहाँ पर पैसे लेने के लिए टू टेक द मनी हियर. बट आपको सीधा यहाँ पर पैसे डालने, जो लेना है ले लो, यहाँ पर रेट लिस्ट है, दैट्स कॉल्ड ट्रस्ट. और ट्रस्ट पे ये कंट्री बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है. नहीं तो एज इट वॉज अ लॉन्ग वीकेंड, तो जिस रिसॉर्ट या कॉटेज गली थी जहाँ पर हम रुके थे, वहाँ के जो मैनेजमेंट एंड ओनर थे, उन्होंने वहाँ पर फायर वर्क्स किए थे जो कि बड़े ही मज़ेदार थे. तो हमने बहुत मज़ा किया और उम्मीद करता हूँ कि आप भी हमारे साथ ही साथ इसको एन्जॉय कर रहे हैं. पहले से करा है ना, हमारी किस्मत में मिल गई. हाँ. It's very long weekends, otherwise it's easy to get it, right?
बेस्ट है, पहले से बुक कर लो, इजी पीजी, कम से कम रिलैक्स माइंड के साथ आप आओगे। मुझे लगता है समर में बुक कर कर ही आओ, वो ज्यादा बेटर है, बिकॉज समर में टोवर मोरी बहुत लोग आते हैं, और चाहे वो वीकेंड हो, लॉन्ग वीकेंड हो, जस्ट 3 आवर ड्राइव, तो हाँ टोरंटो से 3 घंटे की ड्राइव है, 3-3.5 घंटे की ड्राइव है, बेटर टू बुक इट इन एडवांस इन प्रायर। बहुत सारी चीजें यहाँ बुक करने की, सारी इन्फॉर्मेशन देता हूँ, डोंट वरी। हमने जो गलती करी वो भी बताएंगे, हाँ जो हमने गलती करी वो भी बताएंगे, ऑफ कोर्स, एंड देन लेट्स स्टार्ट द फन। कैसे पहुंचते हैं, चलो बड़ा वाला फ्लावर पॉट उसके बाद में है, और उसके बाद केव। सो ये वाला है स्मॉल फ्लावर पॉट, और वो वाला है बिग फ्लावर पॉट और लार्ज वॉट है वो। तो वो मेरे पीछे हैं बड़े मियाँ, और ये है छोटे मियाँ। बड़े और छोटे भाई दोनों आसपास ही रहते हैं, बट यार प्लेस इज वेरी नाइस, बहुत पीसफुल जगह है, आकर के आराम से बैठ जाओ,
have a relaxed feel, relaxed mind ke saath, and you will actually enjoy it. उसको टच करने का, which I'm going to try. तो यहाँ से वहाँ तक जाना है हमने. Let's do this. क्या हुआ? हाँ तो भाई बहुत 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 यहाँ से है पानी और फिर है आपका फ्लावर पॉट. आई देयर, दिस इज द फ्लावर पॉट. वेरी गुड प्लेस टू विजिट, बट कुछ चीजें हैं जो आपको पहले से ध्यान देनी होती है यहाँ पर कि भाई छोटा सा टाउन है तो बहुत सारी चीजें ऐसा होता है अवेलेबल नहीं होती है काफी बार, तो वो आपको पहले से बुक करनी पड़ती है. तो हमने कुछ चीजें पहले से बुक नहीं करी थी, हमें पता ही नहीं था, तो वो मैं आपको लिस्ट आउट कर रहा हूँ स्क्रीन पे भी और नीचे भी डिस्क्रिप्शन में बता देता हूँ कौन कौन सी चीजें जो आप पहले से बुक करके आए. अगर पीक सीजन है तो डेफिनेटली आपको नहीं मिलने वाली है, बट कभी कभी आपको मिल भी जाती है ऑन द स्पॉट, इट ऑल डिपेंड. बट बेटर सजेशन है, द बेस्ट सजेशन है कि पहले से बुक कर ले, क्योंकि हमने गलती करी, हमने पहले से बुक नहीं करी. बहुत सारी चीजें हमें नहीं पता थी कि बुक करनी होती हैं, तो मैं सजेस्ट यही करूँगा कि आप बुक करके आए. सेकेंड थिंग, अगर आपको पानी में एंजॉय करना पसंद है तो डेफिनेटली थोड़ा समर टाइम पे आए. हम अभी आए, ठंडक थी थोड़ी सी, तो हम पानी में एंजॉय नहीं कर पाए, बट येस स्टिल वी हैड लॉट ऑफ फन. हम लोगों ने कैकिंग करी, हम लोग फ्लावर पॉट आइलैंड भी गए, हमने क्रूज का फन भी किया, एंड हम बीच पे भी गए थे. इट वाज ऑल फन, बट यस जैसे ग्रोटो हमारा रह गया, तो ग्रोटो के लिए आपको पहले से पार्किंग रिजर्व करनी पड़ती है. वहाँ पर उसके आसपास कुछ भी नहीं है जहाँ पर आप गाड़ी पार्क करके चले जाओ, तो यू हैव टू बुक योर स्लॉट इन प्रायर. तो ये लिस्ट आउट कर रहा हूँ चीज़ों को, पहले से बुक करके आए. खाने के लिए ऑप्शंस यहाँ पर बहुत ज़्यादा नहीं है आपके पास, तो वो भी प्रिपेयर रहे, थोड़ा बहुत स्नैक्स एंड ऑल अपने साथ लेकर के आए, विच इज़ अनदर गुड थिंग टू हैव. एंड साथ ही साथ बाकी उम्मीद करूंगा कि आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा. अगर अच्छा लगा तो कमेंट करके बताओ कि सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी. लाइक करना मत भूलना वीडियो को, और शेयर भी कर दो. और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो डोंट फॉरगेट टू डू दैट. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड हैव अ वंडरफुल रेस्ट ऑफ योर डे. गुड बाय.